कोरोना की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं कितने लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। ठीक ऐसे ही मुंब्रा के भी कई ऐसे लोग हैं जो या तो होम क्वारंटाइन है या तो कोरोना के इलाज के लिए क्वारंटाइन किए गए हैं। अब तक हमने आपको दिखाया कि किसने किस तरह से लोगों तक राशन पहुंचाया है या खाना पहुंचाया है। रमज़ान में भी उन बेहद मजबूरों की मदद करते हुए कुछ लोग नज़र आए, लेकिन अब ईद के मौके पर जो लोग क्वारंटाइन है, अपने घर परिवार से दूर है, उन लोगों के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए शानू पठान उनके साथ ईद मनाते हुए नज़र आए। आपको बता दें कि एनसीपी नगर सेवक अशरफ शानू पठान दोस्ती माढ़ा के क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचकर क्वारंटाइन लोगों के साथ ईद मनाते हुए नज़र आए। इस बीच उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी ख्याल रखा और शानू पठान ने क्वारंटाइन लोगों के लिए रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का भी इंतज़ाम किया था। सिर्फ शानू पठान ही नहीं, और भी कई लोगों ने, और भी संस्थाओं ने लोगों की काफ़ी मदद की है। सुनिए क्वारंटाइन लोगों के साथ ईद मनाते हुए शानू पठान ने क्या कहा। देखिए, ऐसा है, मुमरा कोसा के लगभग 40 लोग अभी यहाँ पे है और रमज़ान ईद के ही दिन नहीं, रमज़ान में भी यहाँ पे जिम्मेदारी थी अलहमदुल्ला हम लोग की। और ईद में लोग से मिलने के लिए शुरू कुमार इनके साथ पीने, इनका हाल चाल देखने के लिए कुछ दवाएं और कैसा है। उमरा कोसा के लोग हैं, हमारे लोग हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इधर लोगों को आके उनसे मिलना, उनके सुख दुख में रहना और शहर के उनको हौसला अफजाई करना, कम से कम से उनके साथ आके खड़ा रहना कि भाई कुछ नहीं हुआ है आपको, आप तंदुरुस्त हैं, इंशाल्लाह ताला ठीक होके। कोई लोगों का 8 दिन होगा, कोई लोगों का 9 दिन होगा। महानगर पालिका से मेरी बात भी हुई है, जिनका टेस्ट नहीं होगा, 9 दिन हो गए जिनको कोई सिम्टम्स नहीं, उनको घर छोड़ा जाएगा और काफ़ी लोगों को छोड़ भी दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादातर लोग हैं यहाँ, ज़्यादातर लोग रिकवर हो गए और उनकी तबीयत ठीक हुआ है। इन सभी को साथ में देशवासियों को ईद की मुबारकबाद और अल्लाह इस बीमारी से हिंदुस्तान को और देश को निजात दिलाए, दुनिया को निजात दिलाए, यही दुआ करूँगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।